हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ब्राह्मण बड़ा चालाक होता है। आप अंदाज़ा लगा कर देखें कि किस तरह अपनी बातों से जाति जाति में झगड़े लगाता है। हमारे समाज में आज तक जातियों में मतभेद देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुसलमान के घर खाना खा लिया तो गाँव के पंडित ने उसके पिताजी से कहा, आपके छोटे लड़के ने मुसलमान के घर खाना खा लिया, वो मुसलमान हो गया। और बेटा अछूत के घर खाना खा लिया तो वो अछूत हो गया। अब आपके दोनों बेटे आपके नहीं रहे, वे भ्रष्ट हो चुके हैं। पंडित जी को लगा इनका पिता अब दोनों को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगा और बेघर करेगा। उसी क्षण उनके पिता ने पंडित से कहा, ये तो बड़ा अपराध हो गया, अब एक काम कर लेते हैं। बड़े को कहते हैं, तुम राजपूत के यहाँ खाना खाकर राजपूत बन जाओ और छोटे को ब्राह्मण के घर खाना खिलाकर ब्राह्मण बना देते हैं। तो पंडित बोला, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो तो अपवित्र हो चुके हैं। तो उनके पिताजी ने उनसे एक बात पूछी जो सबको पूछनी चाहिए, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ डिमोशन ही होते हैं, प्रमोशन नहीं हो सकता? क्या किसी के घर खाना खाने से कैसे अपवित्र हो सकते हैं? मेरे बेटों ने मुसलमान और अछूत के घर खाना ही खाया है, यह बात वैसे ही है जैसे भूखे को खाना खिलाया जाता है, उस वक्त क्या जाति देखी जाती है? दोस्तों, हजारों जातियों से समाज में आज भी एक दूसरे से नफरत देखी जा रही है, लेकिन इस घटना से हमें समझ जाना है कि इंसान इंसान एक है। इन धुरतों ने हमें अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग जातियों में बांट रखा है ताकि देश में वो राज करे और हम लोग लड़ते रहे। आइए हम प्रण करें, हम सब भाई भाई और बहन के नाते से देश के मूल निवासी हैं और हमेशा रहेंगे। हमें देश में एकता और देश की अखंडता को बरकरार रखना है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।